नमस्कार डॉक्टर एनीस हेल्दी वे लो अपना सकुके स्वागत जानसो आशा करूँ अपना निश्चय भले आज भिडिटर टपिक आम सकोरे चीनाविध प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि जार नाम से त्रिफला त्रिफला आम साधारण कन्स्टिपेशन पाइल्सर भल भाँ कि यार किसान एने चमत्कारी गुण आज जीवर कथा शुनिले अपना सको आचरीत हम सर आयुर्वेदिक औषध बहुतते त्रिफला व्यवहार कर कारण यार बहुत औषधि गुण आए आयुर्वेदे त्रिफलार विषय कि कह त्रिफलार कि गुणागुण आए और त्रिफला आम के खा पारो कि खाले आम भल त्रिफलार क्या कभी साइड इफेक्ट आए निकी एने बहुत कथा अपना आज भिडिओ आलोचना कर गए अपना जो हेल्दी विचार तेज सम्पूर्ण भिडिओ चाहिए आशा करूँ और मोर चेनेल सबसक्राइब आशा करूँ इतना भिडिओ देरी नको आरम्भ करूँ आह शिलिखा आमलखी और भूमुरा तीनटा अमृतसम फल मिश्रणके क्या है त्रिफला आयुर्वेद शास्त्र मते त्रिफला एविध रसायन औषधि रसायन औषधि समूह कथा मैं अपने आगते एक भिडिओ कैसो रसायन औषधि समूह आम आसलते नवजीवन प्रदान कर शरीर रेजुविनेट कर इम्यूनिटी पावर बढ़ा स्टेमिना बढ़ाए और आम विभिन्न धरण रोगों पर बचा रखे बार्धक्य अहत बाधा प्रदान कर गति केकारण आयुर्वेद त्रिफला क्या है रसायन औषधि त्रिफलार औषधि गुण समूह जनार आगते इतना थका आमलखी शिलिखा और भूमुरार किसान औषधि गुणों कथा अलमान जानि लोक कारण यह तीनटार औषधि गुण समूह त्रिफलत पा जाए आमलखीत प्रचुर परमाणे भिटामिन सी और अन्य किसान एंटीऑक्सीडेंट पा जाए जीवे आम देहर इम्यूनिटी पावर बृद्धि कर स्टेमिना बृद्धि कर और बार्धक्य अहत बाधा प्रदान कर साल चुल सौंदर्य बर्धन कर पेटर विभिन्न समस्या आमलखी उपकारी लिभारटको इ कार्यक्षम कर आमार शरीरटको शोधन कर गति के आमलखी एविध उत्कृष्ट फल त्रिफलत थका दुई नम्बर फलविध से शिलिखा शिलिखा संस्कृत हरितकी क्या है ये हरितकर विषय आयुर्वेदे कि कैसे अपने शुनी आचरीत हम एगी मातृे सन्तानर अहित के चिंता नारे नानो कि आयुर्वेद हरितकीक मातृतको उच्च स्थान दी अर्थात मातृे जो के सानक अकंग पे कि हरितक आम अहित चिंता के नारे अर्थात मातृतको उच्च स्थान दी हरितकीक ये कथाखारे बुझे शिलिखा आम स्वास्थ्यर बहुत उपकारी शिलिखा आसलते आम सम्पूर्ण स्वास्थ्य रक्षा सहाय साल चुल सौंदर्य बर्धन कर पाचन क्रिया सहाय डायबिटीस दौरे रोग कंट्रोल कर हार्ट सुरक्षा प्रदान कर और आम श्वासतंत्रको सुरक्षा प्रदान कर त्रिफलत थका तीन नम्बर फलविध से भूमुरा विभितकी यार किसान कि आचरीत औषधि गुण आए जैसे आजिकाली होगा किसान मेटाबलिक डिजर्डार विपाक किसान समस्या कलेस्ट्रल समस्या यूरिक एसिडर समस्या बहुत उपकारी लिभारटको हेल्दी कर रखे स्ट्रेस कम कर सहाय कटा चिंगा घी सोकाले शुकुआत सहाय बहुत औषधि गुण यार आए यह तीनटा फल औषधि गुण समूह जनार पद त्रिफलार किसान चमत्कारी औषधि गुण कथा इतना जानि लोक आयुर्वेद शास्त्र मते त्रिफला एविध दीपन पाचन औषधि दीपन शब्द तो अर्थ से इ आम भोग बृद्धि पाचन शब्द तो अर्थ से इ आम पाचन क्रिया डाइजेशन हेल्प कर आयुर्वेद शास्त्र मते चकुर दृष्टिशक्ति अटूट रखा त्रिफला उपकारी सेकारण चकुर विभिन्न आयुर्वेदिक औषधत त्रिफला उपकरण हिसाब से व्यवहार कर अतीतते चकुर प्रक्षालन आई वाश हिसाब से त्रिफला सेकारण व्यवहार कर आमि स्वास्थ्यवान होइ थाकिबले होले आमार पाचन तंत्रटोए भालदरे काम काज करि थकाटो अति प्रयोजनीय त्रिफलाय आमार ए पाचन क्रियात जथेष्ट सहाय करे गेस बदहजम आईबीएसर समस्या कन्स्टिपेशन पाइल्स एबिला समस्यातो त्रिफला होइसे बहुत उपकारी आयुर्वेद मते त्रिफला होइसे रक्तशोधक आरु रक्तबर्धक रक्तशोधक माने इ तेजर शोधन करे आरु रक्तबर्धक माने इ तेज गठनतो सहाय करे सेकारणे खर खजुति एलार्जी समस्या बा अन्यान्य किसुमान स्किनर बेमारत त्रिफला होइसे बहुत उपकारी आरु रक्तहीनता बा एनिमिया दूर करातो त्रिफला होइसे बहुत उपकारी त्रिफलार आन एटा गुण होइसे जे इ ओजन नियंत्रण करात सहाय करे बा वेट लस करात सहाय करे कारण इयात जथेष्ट परिमाणे एंटीऑक्सीडेंट आसे आरु इयात जथेष्ट परिमाणे फाइबर आसे लगते आमार देहर मेटाबलिज्म बृद्धि करे देहटो शोधन करे बा बडी डिटॉक्स करे एनेका गुण समूह थकार बाबे जिहकले ओजन कम करिब खुजे तेनलके त्रिफला नियमिया कय सेवन करिब पारे त्रिफला आमार दात आरु दातर आलु बा गाम्स बिलाकको हेल्दी करि राखे आरु दातर किसुमान रोग बा गाम्सर किसुमान रोगतो त्रिफला होइसे बहुत उपकारी गाँठिर विष बा आर्थराइटिसर समस्या तो त्रिफला उपकारी कारण यार एंटीऑक्सीडेंट एंटी इनफ्लेमेटरी गुण आए त्रिफला एंटी एजिंग हिसाब काम करे अर्थात बयसर चाप इ कम करातो सहाय करे यार उपरी उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रल समस्या हार्टर विभिन्न रोग और लांग्सर विभिन्न रोगतो त्रिफला खाले सुफल पा जाए
ধুনিয়া স্বাস্থ্য একোছা ধুনিয়া চুলি আৰু এখন ধুনিয়া স্কিন যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে ত্ৰিফলা খাব পাৰে কাৰণ ত্ৰিফলাত এই সকলোবিলাক গুণ আছে। এতিয়া জানো আহক ত্ৰিফলা আমি কি কি ধৰণে খাব পাৰোঁ। যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যন আছে বা পাইলছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে এক চামুচ ত্ৰিফলা চূৰ্ণ এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত মিহলাই ৰাতি খোৱাৰ সময়ত ৰেগুলাৰ কিছুদিন খাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যদি এইবিলাক সমস্যা নাই আপুনি যদি ৰসায়ন ঔষধি হিচাপে ত্ৰিফলা খাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খাব পাৰে বা দিনৰ যিকোনো সময়ত খাব পাৰে। ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে তেন্তে এচামুচ ত্ৰিফলা চূৰ্ণ এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত মিহলাই খালী পেটত খাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এচামুচ ত্ৰিফলা চূৰ্ণ গুড় বা মৌ জোলৰ লগত মিহলাইও খাব পাৰে। আৰু আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে তেন্তে একেটা পদ্ধতিৰে দিনত আপোনালোকে দুবাৰকৈ খাব পাৰে। যিসকলে ওজন কমাব বিচাৰে তেওঁলোকে এচামুচ ত্ৰিফলা চূৰ্ণ এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত মিহলাই তাত অলপমান মৌ জোল আৰু অকণমান ডালচেনিৰ গুড়ি দি ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব পাৰে। এতিয়া জানো আহক ত্ৰিফলা কিমান দিন খালে ভাল আৰু ত্ৰিফলাৰ কিবা কিবি ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি। আপোনালোকে যদি ত্ৰিফলা ৰসায়ন ঔষধি হিচাপে খাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে দুমাহমান ত্ৰিফলা খাব পাৰে তাৰপিছত এমাহমান গেপ দিব আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। এইদৰে কৰিলে আপোনালোকে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু ত্ৰিফলাৰ কোনো বিশেষ এটা ছাইড ইফেক্ট নাই কিন্তু আপোনাৰ যদি কেনেবাকৈ ডায়েৰিয়া বা পেট চলি আছে তেন্তে আপোনালোকে ত্ৰিফলা নেখাব কাৰণ ত্ৰিফলাই পেট ঢিলা কৰে। আৰু যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী হৈ আছে তেওঁলোকেও ত্ৰিফলা বেছিকৈ খাব নালাগে। আৰু যিসকলে তেজ পাতল কৰা ঔষধ খাই আছে তেওঁলোকেও ত্ৰিফলা কমাই খোৱা উচিত। আৰু যিসকল ডায়েবেটিছ ৰোগী বা হাৰ্টৰ ৰোগীয়ে কিছুমান এলোপেথিক দৰৱ খাই আছে তেওঁলোকেও ত্ৰিফলা মাত্ৰাধিক পৰিমাণে নেখাব। হেলথ বিউটি আৰু ফিটনেছ এই তিনিওটা ধৰি ৰখাত সহায় কৰে ত্ৰিফলাৰ দৰে ৰসায়ন ঔষধিসমূহে তাকো কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ। সেইকাৰণে মই জনাখিনি আপোনালোকৰ লগত সদায় শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ আৰু আগলৈও এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেলডি ষ্টে হেপি।